राजेंद्र महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव ने 46वें प्रभारी प्राचार्य के रूप में सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सेवानिवृत्त निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर बैकुंठ पांडे ने उन्हें पदभार सौंप कर शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने महाविद्यालय के कुलदेवता देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने कार्यकाल की शुरुआत की। पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने उन्हें बधाई और सहयोग का आश्वासन दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के सहयोग से महाविद्यालय में पठन पाठन के वातावरण को सुदृढ़ करते हुए गौरवशाली परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। राजेंद्र महाविद्यालय के 46वें प्रभारी प्राचार्य के रूप में आज सुशील कुमार श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद वे अपने कार्यालय में हैं और हम उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपने आज पदभार लिया है। धन्यवाद सर। जो राजेंद्र कॉलेज की शैक्षणिक विरासत है उसको संभालने का, उसको और संवारने का जिम्मा आपको आज मिला है। इस पद पर आने के बाद आपकी क्या प्राथमिकताएँ होंगी? राजेंद्र महाविद्यालय की शैक्षणिक विरासत दायित्व ही हमको मिला हुआ कि मैं इस परंपरा को अक्षुण बनाए रखूँ, उसकी निरंतरता को बनाए रखूँ और उसमें कुछ और बेहतर मैं कर सकूँ। इस दायित्व को मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करूँगा और मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा कि महाविद्यालय में उच्च शिक्षण का संस्थान गुणवत्ता युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम अपने छात्रों को उपलब्ध करा सकें, देने की कोशिश करें और जो छात्र हमारे कक्षाओं से दूर चले गए हैं उनको फिर से हम अपने कक्षाओं में अपने विद्यालय में आकर्षित कर सकें। ये बहुत पहली बात है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो अभी वो पिछली बात ही था कि हम अपने छात्रों और छात्राओं क्लासरूम उन्हें आकर्षित करना चाहेंगे, साथ ही साथ उनके करियर को बेहतर बनाने के लिए जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनका बेहतर उपयोग करके उनके करियर को कैसे हम बेहतर करियर के छात्र छात्राओं को दे सकें, इसके लिए प्रयास करें। महाविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक हैं और तमाम शिक्षक हैं। कई बार विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारी मांगें होती हैं जो एक प्रचार के द्वारा विश्वविद्यालय पर रखी जाती हैं और उन मांगों को लेकर वे हमेशा चिंतित रहते हैं, उनके हक में आप किस तरह से देखते हैं? हम उनके जो भी मांगे हैं, जो भी उनके कारण हैं, जिन समस्या जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर अपने स्तर पर कोशिश करेंगे। और चूँकि ये विश्वविद्यालय का ही अंग महाविद्यालय है तो जो भी समस्याएं कभी कभी बहुत सारी समस्याएं प्रॉपर कम्युनिकेशन के अभाव में हो जाती हैं, तो उस कम्युनिकेशन को हम बनाए रखना चाहेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे कर्मचारियों को, शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को, हमारे किसी भी अंग को कोई परेशानी ना हो, उनके जो भी जायज़ मांगे हैं, जो भी जायज़ आवश्यकताएँ हैं वो ससमय पूरी हो। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अभी अभी राजेंद्र कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य का पदभार संभाला है। चपरा टुडे.com के लिए सुरभित।